दिल्ली महिला आयोग ने दयालपुर इलाके से एक 12 वर्षीय बच्चे का रेस्क्यू कराया। इस बच्चे से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। बच्चा एक आटा चक्की में काम करता था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि खिलौने से खेलने की उम्र में बच्चों से इस प्रकार की बाल मजदूरी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि जब हम चक्की पर पहुंचे तो हमने देखा कि बच्ची को एक कमरे में टेबल के नीचे छुपा दिया गया था और उस पर झूठ बोलने का दबाव बनाया गया। बच्चा बहुत ही सहमा और घबराया हुआ था। दिल्ली महिला आयोग की मुस्तैदी की वजह से इस बच्ची का भविष्य खराब होने से बचा। मुझे उम्मीद है कि पुलिस मामले में FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी। आयोग को एक अज्ञात शख्स द्वारा ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि बच्चे से 12 घंटे चक्की पर काम करवाया जाता था और बदले में उसे काम के कोई पैसे नहीं मिलते थे। दिल्ली महिला आयोग की टीम ने शिकायत की पुष्टि करवाने के लिए इलाके की मुनादी करवाई और पाया कि बच्चा सुबह 9 बजे से चक्की पर काम करना शुरू करता है। अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में आयोग के सदस्य शनिवार सुबह चक्की पर पहुंचे। टीम को आता देख चक्की के मालिक ने बच्ची को एक कमरे में टेबल के नीचे छुपा दिया। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।